देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। सुबह की खबर लालगंज से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आपको पता चले कि संदिग्ध परिस्थितियों में अपहरण बच्चे का शव, जहां पर बालिका के अवशेष मौके पर हुए बरामद। देखिए मेरी रिपोर्ट। लालगंज कोतवाली क्षेत्र नरपतगंज पुलिस चौकी के कुंडवल गांव में अपहरण बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक बाग से बरामद हुआ। पता चला है कि यहीं पर लापता बालक की चचेरी बहन रूबी के अवशेष भी पुलिस को हासिल हुए, जिससे बालिका के अंग इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इस तरह एक ही परिवार के दो बच्चों के साथ घटित जघन्य अपराध को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। उन्हें समझाने बुझाने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे हैं। शांति व्यवस्था के मद्देनजर कुंडल गाँव छावनी में तब्दील हो गया है। कैसे क्या घटना हुई बताओ। घटना क्या हुई है तो भगवान है जानते। घटना हुई लड़की के साथ चला आवा जबरदस्ती ले आई हुआ से यहाँ रान मावत रहा तो लड़कन के साथ ख्याला करे तो हम कहते हैं चलो लड़कन के साथ जा तो संजक चला आवत वो जबरदस्ती लड़की यहाँ खींच खींच के लाई सब मैंने ही बतावत और तो हम इसके आगे हम नहीं जानते कुछ भी नहीं। तो आज की हालत मिली डेड बॉडी है। अब मैंने देखा नहीं, मेरे भाई के लड़के ने देखा वो आप उसके ऊपर लेट गया। बताइए पूरी बात बताइए क्या हुआ। 19 तारीख को हमारी भी किया गायब हो गई रूबी हमारी भांजी, उसके कपड़े वपड़े बाग में मिले। अच्छा और क्या मिला। चप्पल और सिर मिला है, बाल मिले। अच्छा जो अभी अपहरण हुआ तो वो लड़का और उसकी भी मिली। हाँ उसकी भी लाश मिली। पूरी घटना सर जी देखिए ये कुड़वल गांव है थाना क्षेत्र लालगंज का और यहाँ मैं 19 तारीख को पिछले महीने 19 अगस्त को एक सूचना मिली थी एक 8 वर्षीय बच्ची के गायब होने की। उसी क्रम में हमने तत्काल प्रभाव से बच्ची की गुमशुदगी लिखी थी और पूरी टीम ने लगभग सप्ताह भर तलाश किया था उस बच्ची को। इसमें लखनऊ से PAC का भी सहयोग लिया गया था और विभिन्न एजेंसियों द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से साथ ही साथ परिवार के सहयोग से बच्ची को तलाशा गया था। दुर्भाग्य से हमें 7 दिन की कड़ी मेहनत के बावजूद भी पता नहीं चल पाया था बच्ची का। इसी क्रम में 1 तारीख को अभी सितंबर में इसी महीने एक और जानकारी मिली कि इसी बच्ची का एक चचेरा भाई है 11 वर्षीय दीपक जो उसी तरीके की परिस्थितियों में गायब हो गया है। संभवतः अपने किसी परिवार की सदस्य के साथ निकले थे दोनों बच्चे और एक एक करके गायब हो गए। तब हमको ये चीज़ बहुत ही काफ़ी गंभीर भी लगी कि ऐसा कैसे हो गया कि एक ही परिवार के दो बच्चे कुछ ही दिनों के अंदर गायब हो गए हैं। इस क्रम में दीपक की भी गुमशुदगी लिखी गई और उनकी सघन तलाशी की गई। पिछले 2 दिन की बहुत मेहनत के बाद 4 थानों को इसमें लगाया गया। प्रशासनिक पुलिस अमला सब मुस्तैद रहा। ग्रामीणों की मदद से हमने अभी लगभग 3 घंटा पूर्व जो बच्चा है दीपक उसकी डेड बॉडी हमें यहीं गांव के जंगलों से बरामद हुई। उसके बाद हमें शंका हुई और हम लगातार जो तलाश रहे थे रूबी को जो कि पहले से इसमें गुमशुदा थी उसके उसी क्रम में इसी जंगल के दूसरी तरफ जो हमने देखा तो कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं बॉडी के जो लगभग उसी उम्र के हैं और प्रतीत हो। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन